बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पिछले दिनों ब्रिक्स का इजलास हुआ तो अवाम के जहन में फौरन ये आ गया कि जैसे दुनिया में डॉलर चल रहा है ऐसे ही अब ब्रिक्स चला करेगा। नाज़रीन, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक ये एक कंसेप्चुअल नोट है जो ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने बनाया है, और ये एक ख्याली नोट या कह लें कि एक अलामती तौर पर नोट बनाया गया है कि इसे इस्तेमाल किया जा सकेगा मुस्तकबिल में। और या ये ऐसे हो सकता है कि जब ये अपना तिजारत में लेन देन करेंगे, मतलब एक मुल्क ने दूसरे मुल्क को अपनी अदायगी करनी है जो पहले वो डॉलर्स में कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले अपनी करेंसी के बदले वो ब्रिक्स नोट खरीदेंगे और दूसरे मुल्क को ब्रिक्स में अपनी पेमेंट जो है अदायगी जो है कर देंगे। मगर इसका भी कंसेप्ट अभी थोड़ा दूर तक है। असल में पूरी दुनिया की जो अदायगियाँ हैं वो अमरीका अपने डॉलर्स के ज़रिए कर रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, जबकि रशिया की अमेरिका के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती, जिसके मुतबादल के तौर पर रशिया ने एक नोट बनाया है या शो किया है, एक करेंसी जो है वो दुनिया के सामने लाए हैं, और वक्त के साथ साथ वो कारामद होती जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे नहीं होगा जैसे अमेरिकन डॉलर बहुत सारे मुल्क में चल रहा है, ये भी चलेगा। इसको मेंबर कंट्रीज अपनी तिजारत के तौर पर एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, बाद में मुमकिन है ये डॉलर की जगह ले ले या यूरो की जगह ले ले, ऐसा ये कर सकता है, मगर फौरन या अभी से इसको अडॉप्ट कर लेना ये किसी भी मुल्क के लिए मुमकिन नहीं है।